आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का जो पहला सवाल है त्रिकोण नीति से संबंधित प्रश्नावली के सवाल को हल करेंगे। पहला जो सवाल दिया है, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण, तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम D को क्या करते हैं, 90 अंश का कोण दर्शा देंगे। अब इसे हम A मान लेते हैं और इसे C मान। AB बराबर हमको दिया है 24 सेंटीमीटर और BC बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है, तो हम यहाँ से त्रिभुज एबीसी में देखेंगे, एबीसी में कोण बी बराबर हमको दिया है 90, तो यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा सकते, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर अर्थात एसी का स्क्वायर फिर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी का मान हमको निकालना है, ए बी का मान हमको दिया है 24 और बी सी का मान दिया है 7, 24 का वर्ग कर देंगे तो 4 × 16, 4 × 8 × 16 117 और 2 × 4 = 5 और 7 × 49, इसे हम जोड़ देंगे 9 × 6 = 15, 7 × 4 = 11, 5 × 1 = 6। तो AC बराबर जो आएगा, इस साइड वर्ग है तो इस साइड हो जाएगा वर्ग, और 625 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 25, क्योंकि दूरी जो होती है वो सदैव धनात्मक होती है, इसीलिए यहाँ पर 25 लिया गया। अब आइए हम लोग सवाल पर देखते हैं। तो जो कर्ण का मान आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर। अब हमारा पहला जो प्रश्न दिया है वो दिया है साइन ए और कास ए का मान, तो ए को हम क्या करते हैं यहाँ पर थीटा मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए त्रिभुज है ए बी सी 90 अंश है, ये 25 सेंटीमीटर हमको दिया ही है और ये 24 सेंटीमीटर और यहाँ 7 सेंटीमीटर। ए को हम थीटा जब मानेंगे तो जिसके साथ थीटा लगता है वह होता है आधार, और थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है और 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण। तो हमको निकालना है साइन ए, तो साइन ए साइन थीटा बराबर, इसके पहले हमने सूत्र पढ़ा था लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है 7 और कर्ण कितना दिया है 25 दिया है, तो इसका जो आंसर हुआ साइन ए का 7/25। कास ए का मान क्या है, तो कास ए का जो मान होगा वह पहले सूत्र हम जानेंगे, कास थीटा आधार बटा होता है कर्ण, आधार हमको दिया है इसमें 24 और कर्ण का मान दिया है 25, तो आंसर इसका जो हो गया 24/25। अब दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे, दूसरा प्रश्न दिया है साइन सी कास सी। तो क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम बनाएंगे, ये 90 अंश हमको दिया है, बी है, ए है और ये सी, तो सी को हम क्या करेंगे थीटा, ए बी की वैल्यू हमको दिया ही है 24 और बी सी की वैल्यू 7 दिया है, इसका मान हमने अभी निकाला ये 25। तो जब इसे हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो होती है, और थीटा से जो लगा होता है उसमें कहते हैं आधार है और 90 अंश सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण। तो हमको निकालना क्या है, इसे जब थीटा माने तो ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हुआ, तो साइन सी का मान हमसे पूछा है, साइन सी। तो
साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटा कर्ण होता है, सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना इसने दिया है? अब लंब ये हो गया 24 बटा, कर्ण का मान दिया है 25, तो हम 25 रखते हैं, तो 24 बटा 25 हो गया। कास सी, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना दे रहा है 7 और कर्ण कितना दे रहा है 25। दूसरा प्रश्न देखेंगे त्रिकोणमिति का, आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको आकृति दी गई है 8.13 में, हमने देखा कि PQ का मान जो है वो 12 सेंटीमीटर दिया है, PR का मान जो है 13 सेंटीमीटर दिया है, तो हम QR का मान पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज P Q R में कोण Q बराबर 90 अंश, कोण Q बराबर 90 अंश हमको दिया है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर का मान हमको दिया है कितना 13 और पी क्यू की मान हमको दिया है 12, तो क्यू आर का मान हमको निकालना है, तो क्यू आर बराबर हम लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर, ये प्लस है इस साइड आएगा माइनस, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a कोष्टक में a प्लस b, a कोष्टक में a माइनस। तो 13 में यदि हम 25 12 जोड़ेंगे तो आएगा 25, और 13 में 12 घटाएंगे तो 25 गुणे 1, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5, तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर आ गया 5 गुणे 5, तो क्यू आर बराबर क्या होगा, वर्ग है तो इस साइड वर्गमूल, और वर्गमूल इसका कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब प्रश्न हमसे जो कह रहे हैं, पहले हम निकाल लेते हैं टैन पी का मान, यदि हम P को थीटा मान, यदि हम P को क्या मान लें थीटा, तो ये हो गया लंब और ये हो गया आधार, ये लंब ये आधार ये क्या है कर्ण, तो tan थीटा बराबर हम लोग सूत्र जाने थे लंब बटा आधार, तो लंब कितना दिया है QR, QR का मान अभी हमने निकाला 5 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम रखते हैं 5। आधार का मान कितना दिया है, तो 12 दिया है। अब हम निकालेंगे cot r, तो cot थीटा बराबर इसे, अब यहाँ पर हमने इसे थीटा माना था, इसे हटा करके अब हम इसे थीटा मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर r दिया है, थीटा इसे मानेंगे तो ये लंब हुआ, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, तो cot थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार हमको क्यू आर की वैल्यू दिया है कितना 5 और कर्ण का मान 13, आधार बटा लंब होता है, तो लंब का वैल्यू कितना दिया है 12, 5 बटा 12, तो tan P माइनस cot R का मान हमसे पूछ रहा है, तो tan P का मान हमने निकाला अभी, तो कितना है 5 tan P माइनस cot R, tan P का मान हमको 5 बटा 12 दिया है और cot R का मान 5 बटा 12, दोनों वैल्यू रखेंगे हर हर समान तो ऊपर बना 0 बटा 12 और 0 बटा 12 माने 0 ही होगा, तो इसका आंसर tan P माइनस cot R का मान 0। हमको दिया है प्रश्न नंबर 3 में sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान हमको ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले हमको जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं, साइन ए बराबर 3/4, और हम लोग जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो सबसे पहले एक हम क्या करते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी सी ये 90 अंश हम मान लेते हैं बी को, और ए को हम थीटा मान लेंगे, तो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये हो जाएगा लंब, और 90 अंश सामने वाली भुजा होगी है कर्ण। जब इसे हम थीटा माने तो ये लंब हुआ, और लंब कितना हमको दिया है, 3 दिया है, आधार कितना दिया है, 4 दिया है, कर्ण कर्ण का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो आधार का मान हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय में, त्रिभुज ए बी सी कोण बी बराबर 90 अंश, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो AC की वैल्यू हमको दिया है कितना, 4, BC दिया है 3, AB का स्क्वायर नहीं पता, तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग, तो AB का स्क्वायर 4 का वर्ग माने 4 × 4, 4 × 16 और 3 × 3 = 9, तो AB का स्क्वायर बराबर 16 में 9 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, तो AB बराबर कितना आ जाएगा, कर्णी में 7, इसका मान जो आ गया कर्णी में 7 आ गया। तो हमसे जो पूछ रहा है cos A का मान, तो cos थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है, आधार कितना दिया है, एक को ही थीटा माना है, इसमें भी एक थीटा मुझे माना, तो आधार का मान हमको दिया है कर्णी में 7 और कर्ण का मान हमको दिया है 4। इसके बाद tan A का मान हमसे पूछ रहा है, तो लंब बटा क्या होता है, tan थीटा लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है इसमें, 3, आधार का मान कर्णी में 7, तो इसका जो आंसर हो गया cos A का कर्णी में 7/4 और tan A का जो हो गया 3/ कर्णी में 7। (15 = A = 8) हो तो sin A और sec A का मान हमको ज्ञात करना। तो सबसे पहला कार्य हम क्या करेंगे, जो हमको प्रश्न ने दिया है उसे लिखते हैं। 15 = A = 8, तो यहाँ पर पूरा है इस कार्ड आएगा भाग, तो काट ए बराबर 8/15। हम लोग जानते हैं काट थीटा बराबर जो होता है वह होता है आधार बटा लंब, काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी कोण बी बराबर 90 डिग्री मान लो, और ए को यदि हम थीटा माने तो ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो हमको जो आधार की वैल्यू दिया है वो दिया है 8 और जो लंब की वैल्यू है वो दिया है 15। हम कर्ण का वैल्यू जो है निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। तो एबी की वैल्यू हमको दिया है 8, बीसी की वैल्यू दिया है 15,
8 का वर्ग कर देंगे तो 64, 15 का वर्ग करेंगे 225 हो जाएगा। जोड़ देंगे 5 4 9, 6 2 8 और 2, 289। तो एसी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 289। इसी का वर्गमूल निकाल लेंगे तो हम क्या करते हैं, इसमें पीछे की साइड से जोड़ा बना लेंगे, दो अंक ये दो और यहाँ पर एक आएगा, एक का वर्ग करेंगे तो एक, तो एक बच जाएगा। यहाँ पर हम वर्गमूल निकाल देते हैं 289, तो यहाँ जोड़ा बना लेंगे एक एक एक, तो आएगा यहाँ पर एक, दो में से घटाएंगे तो एक, इसे जोड़ लेंगे एक एक दो, अगले जोड़ा सही संख्या हम उतारेंगे। अब जाएगा कितनी बार, 2 9 18 ज़्यादा हो रहा है, हम देखेंगे ये 3 बार देख ले रहे हैं, 3 3 9, 3 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार देख ले रहे हैं, 7 7 49, 7 14 4 18, तो इसका जो वर्गमूल आ गया वह 17 है। एसी की जो वैध हुआ भी वह 17, एसी बराबर कितना आ गया 17। तो हमसे पूछा गया है कि साइन ए का मान बताइए, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब कितना है, अभी हमने इसमें भी दिया था, लंब का मान दिया है 15 और कर्ण का मान आया है 17। हमसे पूछ रहा है सेट ए का मान बताइए, तो सेट थीटा बराबर होता क्या, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 17 और आधार की जो वैल्यू है वो दिया है 8। त्रिकोणमिति का हम 8.1 प्रश्नावली देख रहे हैं, इसके पहले वीडियो में हम लोग 4 प्रश्न तक हल कर चुके थे, आज हम 5वां प्रश्न देखने जा रहे हैं। दिया हमको ये है, यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया है उसे हम लिखते हैं sec थीटा बराबर 13/12, और हम लोग जानते हैं sec थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार ये हमारा सूत्र होता है। तो समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे हम लोग, इसे मान ले रहे ए है, बी है, सी है, तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, ए को यदि हम थीटा मान लें तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और थीटा जिसके साथ लगा होता है उसे हम कहते हैं आधार, और ये हमारा है कर्ण। तो हमको अन्य सभी त्रिकोणमिति का अनुपात, इसका मतलब 6 होते हैं त्रिकोणमिति अनुपात, तो sec थीटा हमको दिया है तो 5 और निकालना है, जैसे हमको निकालना क्या है, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है, कास थीटा की वैल्यू निकालना है, टैन थीटा का मान हमको निकालना है, काट थीटा का मान निकालना है, sec हमको दिया है, कोसेक थीटा का मान निकालना है, इतने का मान हमको निकालना है। तो आधार की वैल्यू हमको कितना दिया है, यहाँ पर 12 दिया है, लंब का मान हमको नहीं पता है, निकालना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का मान हमको दिया है कितना 13, तो हम देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये सूत्र होता है। कर्ण की वैल्यू हमको दिया है कितना 13, 13 का वर्ग, लंब का मान हमको नहीं पता है, BC मान ले रहे हैं इसे, BC का वर्ग हो जाएगा, आधार का मान हमको दिया है कितना 12, 12 का वर्ग हो
जाएगा, ये प्लस है इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग बराबर BC का स्क्वायर। एक क्वेश्चन में a प्लस बी से हम लिख सकते हैं और एक क्वेश्चन में a माइनस बी, क्योंकि सूत्र ही होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी बराबर BC का स्क्वायर हो जाएगा। तो 13 और 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। 13 में 12 घटाएंगे तो 1 आएगा बराबर BC का स्क्वायर। तो इसे हम सीधे क्रम में लिख लेते हैं, BC का स्क्वायर बराबर 25, और BC का स्क्वायर 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। तो BC बराबर क्या होगा, वर्ग है तो इस साइड होगा वर्गमूल 5 × 5। अब वर्गमूल में क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं दो का, तो BC बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर या 5 ही क्या लिख देते हैं। BC का मान कितना आ गया, 5, अर्थात लंब का मान 5 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है, साइन थीटा की वैल्यू। तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण होता है। तो मान हम रख देंगे, लंब का मान कितना दिया है 5, कर्ण का मान 13, कॉस थीटा की वैल्यू क्या ले रहे हैं, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है, कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 13 दिया है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 12/13 हो गया। टैन थीटा का निकाल ले रहे हैं, टैन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो लंब की वैल्यू कितना दिया है 5, आधार की वैल्यू 12, तो 5/12 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं काट थीटा, काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब सूत्र होता है। तो आधार की वैल्यू कितना दिया है 12 दिया है, लंब की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। तो काट थीटा की वैल्यू 12/5 हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कोसेक, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कर्ण बटा लंब होता है सूत्र, कर्ण बटा लंब। कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 13 दिया है, और लंब की वैल्यू कितना दिया है 5 दिया है। तो इस प्रकार से सभी हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, पहला हमको दिया था साइन थीटा की वैल्यू निकालने के लिए तो 5/13 आया, कॉस थीटा की वैल्यू हमसे पूछ रहा था 12/13, टैन थीटा की वैल्यू 5/12 आ गया, काट थीटा की वैल्यू 12/5 और कोसेक थीटा की वैल्यू 13/5। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो सबसे पहले जो हमको दिया है उसे हम लिखते हैं, कोण ए दिया जो है उसे लिखते हैं, दिया कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, और क्या दिया है हमको, कॉस ए जो है वह बराबर है कॉस बी। दर्शाना क्या है उसे हम लिख रहे हैं, या दिखाइए, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे जिसमें कोण ए और कोण बी को हम न्यून कोण लेंगे, ए और बी, ये क्योंकि 90 अंश से कम है इसीलिए इसे हम ए दिए नाम, इसे बी दे दिए, इसे एक बच रहा है तो इसको सी दे रहे हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर कितना दिया है 90 डिग्री, ये हमने मान लिया, एक त्रिभुज बना लिया। यदि हम ए को थीटा मान लें, यदि हम ए को थीटा मान लें तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब।
और ये क्या हो गया, आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो हमसे यदि पूछा जाए cos A की वैल्यू बताइए, तो cos थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार की वैल्यू कितना है, AC है और कर्ण की वैल्यू AB है। अब यही चीज हम देखेंगे दूसरी आकृति बनाकर देखेंगे, ये है ये है और ये सी, जैसे था सेम वही। अब हम क्या करते हैं, B को थीटा मान लेते हैं। यदि हम B को थीटा मानेंगे तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो cos B की जो वैल्यू होगा आधार बटा कर्ण, इसका भी सूत्र होगा। तो आधार कितना दिया है BC और कर्ण कितना दिया है AB। और हमको प्रश्न में जो है, प्रश्न में हमको ये दिया है कि cos A जो है वह बराबर है cos B। तो cos A की वैल्यू हमने निकाला कितना, AC बटा AB, AC बटा AB। और cos B की भी वैल्यू हमने निकाला BC बटा AB। तो यहां पर ये भाग है, इस साइड जाएगा तो गुणा हो जाएगा, AC बराबर BC बटा AB गुणे AB, AB AB एक दूसरे से कट जाएगा। तो आएगा AC बराबर BC, AC बराबर BC, माने ये जो भुजा है इस भुजा के क्या है, बराबर है। और हमने इसके पहले कक्षा 9 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि समान भुजा की एक प्रमेय है, समान भुजा की सामने का कोण समान होता है, समान भुजक कोई भी त्रिभुज हो, उस त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने का जो कोण होता है वह आपस में बराबर होगा। तो AC जो है, AC के सामने का कोण कौन है, B है, और BC के सामने का कोण का नाम क्या है, A है। तो कोण इसे हम सीधा क्रम में लिख लेते हैं, कोण A बराबर कोण B, और यही हम लोग को क्या करना था, सिद्ध करना था कि कोण A बराबर कोण B होगा कि नहीं होगा। तो हमने सिद्ध किया कि कोण A बराबर कोण B होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखेंगे। प्रश्न दिया क्या है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, 1 माइनस साइन थीटा एक कोष्टक में, फिर बटा कोष्टक में दिया है 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। और दूसरा प्रश्न जो दिया है काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो हमको दिया है उसे हम लिख लेते हैं, हमको दिया है काट थीटा बराबर 7/8। हम लोग जानते क्या है काट थीटा बराबर, सूत्र आधार बटा लंब होता है, क्या होता है, आधार बटा लंब। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, इसे A मान लेते हैं, B मान लेते हैं, C। तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज A B C में कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर A को थीटा मानेंगे, यदि A को थीटा मानेंगे तो ये होगा लंब और ये हो जाएगा आधार, और ये 90 अंश सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो आधार की वैल्यू कितना दिया है, 7, तो हम रख देंगे 7। लंब की वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण की वैल्यू हमको निकालना है एसी, एसी का स्क्वायर, लंब की वैल्यू हमको दिया है कितना 7, आधार की वैल्यू दिया है 8, 7 का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, जोड़ देंगे 9 4 13, 6 4 10, 10 1 11, तो एसी बराबर कितना आएगा, एसी स्क्वायर है। तो अगर हम देखें एसी बराबर क्या होगा, तो वर्ग है तो साइड वर्गमूल, 113 का वर्गमूल निकलता नहीं है तो कर्ण में ही रहेगा। अब हमसे जो प्रश्न किया है हम उसे देखते हैं, 113 प्रश्न हमसे किया है। पहले हम निकाल लेते हैं मान, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ले रहे हैं, साइन थीटा बराबर होगा क्या लंब बटा कर्ण, लंब की वैल्यू कितना दिया है 8, कर्ण की वैल्यू 113, कॉस थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, आधार बटा कर्ण, आधार की वैल्यू कितना दिया है 7, कर्ण की वैल्यू कर्णी में 113, बस हम मान रख देंगे आंसर आ जाएगा 1 प्लस, पहला प्रश्न हमको जो दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू हमको दिया है 8 बटा कर्णी में 113, 1 माइनस 8 बटा कर्णी में 113, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू दिया है 7 बटा कर्णी में 113, 1 माइनस 7 बटा, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे कर्णी में 113। तो एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, माने ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, यही सूत्र होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बटा ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग, एक का वर्ग करेंगे तो एक ही आएगा, 8 का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, कर्णी में 113 का वर्ग करेंगे तो 113 ही आएगा, कर्णी हट जाएगा, एक का वर्ग एक, 7 का वर्ग 49 होगा, और कर्णी में 113 का वर्ग करेंगे तो 113 हो जाएगा। तो 113 का यहाँ पे एक गुणा करेंगे तो 113 माइनस 64 बटा 113 बटा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 113 माइनस 49 बटा 113 घटा देंगे, 13 में 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 9, यहाँ सामने लिख ले रहे हैं, 13 में 4 घटाएंगे तो 9 आएगा, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में 6 गए 4 बटा 113 बटा 113 में 49 घटा देंगे तो 13 में से 9 घटाएंगे तो 4, 9 4 13, 10 में से 4 घटाएंगे तो 64 माने 4 देंगे तो 113 यहाँ पर, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे तो आ जाएगा 49 बटा 113 गुणे 113 बटा 64, ये एक दूसरे से कट जाएगा तो आएगा कितना 49 बटा 64। तो इसकी जो वैल्यू आई 49 बटा 64। दूसरा प्रश्न देखते हैं,
दूसरा प्रश्न हमको दिया है काट स्क्वायर थीटा, तो काट थीटा बराबर हमने सूत्र पढ़ा था कॉस थीटा बटा साइन थीटा, इसका वर्क कर देंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हमको दिया ही है 7 बटा करड़ी में 113 पूरे का बटा, साइन थीटा की भी वैल्यू दिया है 8 बटा करड़ी में 113, इसका पूरा वर्क कर देंगे। तो इसका भी गुणा इसमें करेंगे, इसका भी गुणा इसमें कर देंगे, तो हो जाएगा 7 बटा करड़ी में 113 गुणी करड़ी में 113 बटा 8, इसका पूरा वर्क कर देंगे। ये एक दूसरे से कट जाएगा तो आएगा 7 बटा 8 का वर्ग, और 7 बटा 8 का वर्ग करेंगे 749 और 8 का वर्ग करेंगे तो 64। इस तरह से हमारा जो प्रश्न नंबर 7 है कंप्लीट होता है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है 3 काट ए बराबर 4, तो जांच कीजिए अर्थात हमको सिद्ध करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं है, इसे हमको प्रूफ करना है। तो जो दिया है सबसे पहले हम उसे लिख देते हैं। दिया है क्या दिया है 3 काट ए बराबर 4 दिया है, तो इस साइड ये गुणा है तो इस साइड होगा भाग, तो काट ए बराबर क्या लिख सकते हैं 4 बटा 3। हमको क्या सिद्ध करना है, जांच क्या करना है, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें। जैसे पहले समकोण त्रिभुज एक बनाएंगे, ए बी सी, ए को हम थीटा मान लेते हैं क्योंकि सब में ए ए दिया है, ए को थीटा मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। क्यों, क्योंकि 90 अंश सामने वाली जो भुजा होती है वह कर्ण होती है और जो कर्ण होता है वह सबसे लंबी भुजा होती है। तो हमको क्या दिया है यहाँ पर काट ए, काट ए माने काट थीटा बराबर सूत्र हमने पढ़ा है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो आधार की वैल्यू जो है यहाँ पर दिया है कितना 4, लंब की वैल्यू 3 दिया है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इस कर्ण की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर 90 अंश, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से कह सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या कह सकते हैं, एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर। एसी की वैल्यू हमको नहीं पता है, एबी की वैल्यू पता है 4, तो इसका वर्क कर देंगे। बीसी की वैल्यू हमको पता है 3, इसका वर्क कर देंगे। 4 का वर्क करेंगे तो 16, 3 का वर्क करेंगे तो 9, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, और ये आ गया हमारा एसी का स्क्वायर। तो एसी बराबर क्या होगा, एसी बराबर हो जाएगा इसका वर्गमूल निकालेंगे, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। अब हम लोग इसमें tan a की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। tan
ए, क्योंकि हम जानते हैं टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू कितना दिया है 3, आधार की वैल्यू कितना दिया है 4, टैन ए की वैल्यू आ गई। कास का निकाल लेते हैं, कास ए की वैल्यू, कास थीटा बराबर क्या होता है तो आधार बटा कर्ण होता है, तो आधार कितना दिया है 4 दिया है, कर्ण कितना दिया है अभी हमने निकाला ही है 5, तो 5 दिया है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं साइन ए की वैल्यू, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है, लंब कितना दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है 5। अब हम क्या करते हैं, इसे मान लेते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसे मान लेते हैं राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। दिया गया है 1 माइनस टैन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, तो इसे हल कर देंगे 1 माइनस, अब टैन की वैल्यू हमने निकाला कितना 3/4, तो टैन के स्थान पे 3/4 रख देंगे, वर्ग है तो वर्ग लगाएंगे 1 प्लस 3/4 इसका वर्ग कर देंगे, 1 माइनस 3 का वर्ग करेंगे तो 9, 4 का वर्ग करेंगे 16, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 16 में 9 घटा देंगे बटा 16 और 16 में 9 जोड़ देंगे बटा 16, तो यहाँ से 16 में 9 घटाएंगे तो 7/16 पूरे का बटा 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25/16 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो आएगा कितना 7/16 × 25 16 से कट जाएगा तो 7/25 आ जाएगा। इसे यदि हम हल किए तो कितना आया 7/25। अब हम लोग राइट हैंड साइड को हल करेंगे। राइट हैंड साइड क्या दिया है, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, कास ए की वैल्यू हमने निकाला था कितना आया 4/5, इसका वर्ग कर देंगे, साइन ए की भी वैल्यू हमने निकाला है 3/5, इसका वर्ग कर देंगे, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, और जब हर हर समान रहता है तो ऊपर हम क्या करते हैं आसानी से घटा जाते हैं, 16 में 9 घटाएंगे तो 7/25। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब हम लेफ्ट हैंड साइड को हल किए थे तो 7/25 आया है, और राइट हैंड साइड को भी हल किया 7/25, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वह किसके बराबर है राइट हैंड साइड, और यही हमको क्या करना था प्रूफ करना था कि यह इसके बराबर है कि नहीं।